नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और ईडी की जंग चल रही है। ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेज चुकी है, मगर वो पेश नहीं हुए। आखिरकार ईडी कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश हों। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल पर आरोप बनता है और उन्हें ईडी के सामने पेश होना चाहिए था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कानून के हिसाब से आगे का कदम उठाया जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आदेश हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। खूब चला लिए आरोपों के तीर, अब अदालत ने केजरीवाल की तकदीर में ईडी के सामने पेश होना लिख दिया है। शराब घोटाले मामले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन पर समन भेज रही थी, 1, 2, 3, 4, 5, मगर 5 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आखिरकार ईडी अदालत पहुंची। ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीआरपीसी के 190 के प्रोसीजर के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और उस शिकायत पर सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने कहा कि 17 फरवरी को केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो। अदालत ने कहा कि पिछले 3 महीने में 5 बार समन होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए पूछताछ के लिए, जांच में सहयोग करने के लिए। अदालत ने उनको सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत ने ये कहा है, यानी ईडी की अर्जी पर अदालत ने साफ कहा है कि उन्हें 17 फरवरी को अदालत में पेश होना पड़ेगा। उधर अरविंद केजरीवाल और उनकी कानूनी सलाहकार टीम के सूत्रों का कहना है कि वो इस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती देंगे, क्योंकि ये ACMM दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में केस था और उन्होंने इनकी अर्जी यानी ईडी की अर्जी पर ये कहा है कि समन किया है उनको 17 फरवरी को पेश होने का। 17 फरवरी को अदालत उनसे पूछेगी कि आप क्यों नहीं पेश हुए, आपकी दलीलें और सबूत क्या हैं। और इस पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 17 फरवरी को अभी तक ये कहा जा रहा है कि इस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी हाईकोर्ट जाने के पहले यहाँ के सारे आजमा लेना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बाय किया जा सके। अदालत से आया ये फैसला बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी पर हमला करने का औजार सिद्ध हुआ। बीजेपी वालों ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, उन्होंने सीधे सीधे सवाल किया कि क्या अरविंद केजरीवाल कोर्ट का सम्मान भी नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 फरवरी को सम्मन जारी करके ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट का भी सम्मान करते हैं या नहीं करते, तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से 5 बार सम्मन को इवेड किया, वो दिखाता है कि वो कानून का सम्मान नहीं करते। बीजेपी कह रही है कि जो बीजेपी के नेता कहते थे वही कोर्ट ने कहा है। अब अरविंद केजरीवाल ना तो घोटाले की जांच से बच सकेंगे और ना ही पेश होने से। ईडी के सामने उन्हें पेश होना ही होगा। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ माननीय कोर्ट का ये फैसला ये सत्य की बहुत बड़ी जीत है। अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया गया कोर्ट में, कोर्ट में उनको अपीयर होने को बाध्य किया गया कि आप आपको 17 तारीख को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ये सम्मन इशू किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ईडी के सम्मन नकली हैं, ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने सारे सबूत जब कोर्ट के सामने पेश किए, दस्तावेज पेश किए, रिकॉर्ड पेश किया, कैसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, क्यों उनको ईडी के सामने आना चाहिए, तो माननीय कोर्ट भी उन दस्तावेजों को देखने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को पेश होने को मजबूर कहने को मजबूर हुई। बीजेपी प्रवक्ता मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज सत्य की जीत हुई है। आज सत्य में जयते कह सकते हैं, सत्य की जीत हुई और केजरीवाल जी के प्रोपेगेंडा झूठ विक्टिम कार्ड की हार हुई। अरविंद केजरीवाल जी आज आपको नैतिक तौर से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आप अन्ना हजारे के साथ थे तब तो कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच, और आज इस्तीफा दूर की बात, जांच में शामिल होने से कतराते, कहते हैं समन इल्लीगल है, कहते केस फर्जी है, कुछ सबूत नहीं मिले। बताइए कोर्ट ने आपके खिलाफ यह आदेश क्यों दिया? कोर्ट आपको कह रहा है प्रस्तुत हो जाइए, समन्स को इल्लीगल तो नहीं कहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं वो शराब घोटाले के सरगना है, मास्टरमाइंड है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर भ्रष्ट है, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे विजय नायर हो, उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ नहीं, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं के साथ है। तो भ्रष्टाचार को अब वो टॉलरेट कर सकते हैं, भ्रष्टाचार पर उनका व्यू चेंज हो चुका है। आज उनको केवल और केवल विक्टिमहुड कार्ड नहीं, आज उनको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि शराब घोटाला कैसे किया, कैसे हजारों करोड़ों रुपए शराब घोटाले बाजों को कमाए, कैसे 2.5 से 12% कमीशन बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर को होलसेल दे दिया, किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया। पर इन सवालों से भागते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं। बेताज बादशाह है भ्रष्टाचार के और भगौड़े नंबर वन है। मगर आम आदमी पार्टी अब भी अपने तेवर पर कायम है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर जो सही होगा वो किया जाएगा। हमने सीधा सवाल पूछा उनसे, किस अधिकार के तहत आप ये कह रहे हो, कि क्या ये कोई FIR है, क्या कुछ ऐसी धारा है कि नहीं आपने इसको मुख्यमंत्री के हाथ में थमाना है, मुख्यमंत्री दिल्ली के सारा काम छोड़ के केवल ये समन्स या नोटिस रिसीव करने में आ जाए। कोई FIR नहीं था, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं थी, कोई समन्स नहीं था, ना कोई IPC की धारा, ना कोई CRPC की धारा, कोरी चिट्ठी पे एक नोटिस था और केवल मीडिया में ये चलाने के लिए कि क्राइम ब्रांच पहुंच गया है अरविंद केजरीवाल के घर पर। कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारी लीगल टीम इस ऑर्डर को अभी स्टडी कर रही है और जो भी अप्रोप्रिएट लीगल स्टेप्स होंगे हम वो लेंगे, बट हम कोर्ट में डेफिनेटली सबमिट करेंगे और बताएंगे कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इलीगल रहे हैं। झटका वो है जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में दी, ये कोर्ट का एक ऑर्डर है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है एंड वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट अप्रोप्रिएटली एंड वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म द कोर्ट कि ईडी के सारे समन्स अब तक के इलीगल हैं। अदालत से आदेश मिल चुका है, मगर सवाल ये है कि वो केजरीवाल जो ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता रहे थे, क्या अदालत के आदेश के बाद वो ईडी के सामने पेश होंगे या राउत रेवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को वो हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। दिल्ली आबकारी नीति केस में दिल्ली के राउज अवनी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है तब से ही ये चर्चाएं चल रही हैं, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है एक्साइज पॉलिसी केस में, और अगर ऐसा होता है तो फिर आम आदमी पार्टी का बेड़ा पार कौन लगाएगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आने वाले 6 से 8 महीने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में कुछ ही महीने रह गए हैं और आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की जरूरत ना केवल दिल्ली में पड़ेगी बल्कि वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी हैं पार्टी के, इस लिहाज से उनकी जरूरत पंजाब से लेकर गुजरात और गोवा में भी आम आदमी पार्टी को पड़ेगी। इसके साथ साथ लोकसभा चुनावों के कुछ ही महीने बाद दिल्ली के विधानसभा चुनावों की रणभूमि तैयार हो जाएगी। फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि दिल्ली में ईडी की जांच को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग धारदार होती जा रही है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आएगा ये जंग और जोरदार होगी। दिल्ली से अमित भारद्वाज, पंकज जैन और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर शराब घोटाले के मामले में ईडी की जांच तो तेज जरूर हो गई है, मगर इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी पर मुश्किलों की भरमार है क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी से सबूत मांगे हैं। इसके अलावा जल बोर्ड के टेंडर में घोटाले के आरोप भी लग रहे हैं जिसमें ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। माहौल बनाना था कि मुख्यमंत्री के PS के घर पे 16 घंटे रेड चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बहाने बदनाम। ना तो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई थम रही है और ना ही जांच एजेंसी के ताबड़तोड़ एक्शन पर राजनीति रुक रही है। एक बार फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा, दिल्ली जल बोर्ड टेंडर प्रक्रिया में हुई धांधली के आरोपों की जांच तेज की और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के PS विभव और सांसद NDगुप्ता समेत कई के ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल CBI के FIR में आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए टेंडर देते समय एक कंपनी को फायदा पहुंचाया। ईडी की छापेमारी कई घंटों तक चली, इधर छापेमारी चल रही थी उधर आम आदमी पार्टी आरोपों के तीर चला रही थी। आप सबको पता है कि कल कई जगहों पर ईडी ने
आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग और नेताओं के घर पर रेड लगाई, हमारे वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता जी के यहाँ रेड लगाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार जी, उनके घर पर भी रेड लगाई। ये दोनों रेड 14-14, 16-16 घंटे चले। एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ईडी की रेड में कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा, मेरे पीए के घर 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की, गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, कोई ज्वेलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई कागज नहीं। इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहाँ रेड की, वहाँ कुछ नहीं मिला। क्या ईडी किसी के भी घर में ऐसे ही बिना किसी कारण के घुस सकती है? क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने आज भी लिखा, हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री एनडी गुप्ता जी के यहाँ से भी ईडी वाले चले गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी तो यही कह रहे हैं कि ईडी की जांच में कुछ नहीं मिला। और तो और, रेड कर रहे ईडी के अधिकारियों को मालूम तक नहीं था कि वो किस मामले में जांच करने आए हैं। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची, हमारे वकीलों ने भी कोशिश करी ईडी से जानने की कि भैया किस मामले में आप पहुंचे हो यहां पर। वहां पर जिनके यहां रेड लगी, उन्होंने भी पूछा कि ठीक है, आपका स्वागत है, हम पूरी तरह से आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन बता तो दीजिए कि किस मामले में आप यहां पर आए हो, किस मामले संबंधित आप ये रेड कर रहे हो। ईडी के अफसरों को कोई अता पता नहीं था कि किस मैटर में उनको ये रेड करी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए ईडी को काम पर लगा रखा है। आज की तारीख में, पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो आज की तारीख में हाल ये हो गया है कि सुबह उठकर अगर आप टीवी ऑन करो तो केवल एक खबर आती है, फला फला विपक्षी नेता के ऊपर ईडी या सीबीआई ने रेड कर डाली। ये हर दिन का मामला है। हर दिन सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे होते नहीं है कि ये खबर रन करना शुरू हो जाती है कि 10 जगहों पे आज ईडी की रेड हो गई, 12 जगहों पे ईडी की रेड हो गई। आम आदमी पार्टी ईडी के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर ले रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है, अब दोनों ओर से जंग जबरदस्त है। दिल्ली से अमित भारद्वाज, संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि वो कुछ अहम खुलासे करने वाली है, इसीलिए ईडी बेवजह उन्हें परेशान करने करके मामले को दबाना चाहती है। आपका यह भी आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर उनके नेताओं को झूठे केस में लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ईडी की छापेमारी चल रही है, दूसरी ओर इस कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से हमलों की बौछार हो रही है। आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया शराब नीति घोटाले के आरोपों का, पूरी जांच को फर्जीवाड़ा करार दिया, आरोपों को आम आदमी पार्टी नेताओं को डराने की साजिश बता दिया। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। दिल्ली की सियासत में पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी है। ईडी के नए एक्शन के बाद ये जंग और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि ईडी को लेकर उनकी पार्टी बड़े खुलासे करने वाली थी, जिसे दबाने के लिए ही फिर से छापेमारी शुरू की गई। मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए
आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। आतिशी जी, आज एक फिर आप मनोहर कहानी लेके मीडिया के सामने आए। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।